कुछ कंसाइनमेंट स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान साइड तो इंडियन साइड वाल वो चार बंदे असी अरेस्ट किए ने जोड़े दो कलानौर के ने एक डेरा बाबा नानक का एक अमृतसर का इन्हों चारा अरैसट कर लिया गया जी इन्ह की हजे तक इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की है वो इन्होंने दसिया कि चौथा अटैम्प्ट इन्हों का उस तो पहला तीन बारी ये कंसाइनमेंट्स अलग अलग वैल्यू की अलग अलग वेट की घटा चुके हैं जिद कि टोटल वेट अराउंड 50 किलो इन्होंने हैरोइन स्मगल की है पाकिस्तान साइड इस बारी भी इन्हों का यही प्लैन सगा कि असी अर्ली मॉर्निंग स्मगल कर लाँगे जिमें पिछली बारी असी किया पिछली तीन बारी बट इस बार BSF की अलर्टनैस करके नहीं सक्सैसफुल होए उत्थे फायरिंग हो गई तो पाकिस्तान वाले जिहड़े स्मगलर सीगे वो पाकिस्तान साइड पर भज गए तो यह फॉग का धुंध का सहारा लैके ये इंडियन साइड पर भज गए एक इंसीडेंट होया सी 28 जनवरी 2022 नूं सवेरे 5:15 बजे जदों कुछ कंसाइनमेंट स्मगल करन दी कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान साइड तो इंडियन साइड वाल तो BSF दी अलर्टनैस करके वो फॉइल कर दी गई सी इन्हां विच हेड कॉन्सटेबल ज्ञान चंद इन्हां दा जिहड़ा इंजर्ड हो गया सी जिहदे बयानां ते असी 307 दा परचा दर्ज किया आर्म्स एक्ट दे नाल उहदे विच चार बंदे असी अरैसट किए ने जिहड़े दो कलानौर दे ने एक डेरा बाबा नानक दा ते इक अमृतसर दा इन्हां दे नाम लक्की तेजा ते हरनेक सिंह जिहड़े ने एक कलानौर दे एक दीपा जिहड़ा डेरा बाबा नानक दा ते राजवंत सिंह जिहड़ा अमृतसर दा इन्हां चारां नूं अरैसट कर लिया गया जिहड़ी इन्हां दी हजे तक इन्वेस्टिगेशन पुछताछ कीती है उहदे विच इन्हां ने दस्सिया कि चौथा अटैम्प्ट सी इन्हां दा उस तो पहला तीन वारी ये कंसाइनमेंट्स अलग अलग वैल्यू की अलग अलग वेट की घटा चुके हैं जिहदे विच कि टोटल वेट अराउंड 50 किलो इन्हां ने हैरोइन स्मगल की है पाकिस्तान साइड तो रफली सेम लोकेशन तो की है पिछले 2 साल तो एक्टिव सके पहला इन्हों पर कोई परचा नहीं दर्ज रिकॉर्ड इन्हों का क्रिमिनल क्लीन है इन्हों की प्रॉपर्टीज़ भी असी चैक कर रहे हैं जिहड़ियां इलीगल इन्होंने बनाई हैं जिहड़े पैसे आए थे वो कितने यूज़ किए हैं की कुछ इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ इमूवेबल बनाई हैं या मूवेबल बनाई हैं उन्होंने भी काम चल रहा है तो जल्दी ये होर खुलासे किए जाने जदों पहली बारी इन्हां नूं सक्सैस मिल गया उस लोकेशन ते इन्हां नूं लग्या कि ये लोकेशन सेफ है इन्हूं असीं बार बार यूज़ कर सकते हैं सो अगली 2 बार भी इन्हां ने उही यूज़ की इस बारी भी इन्हां दा यही प्लैन सीगा कि असीं अर्ली मॉर्निंग स्मगल कर लाँगे जिवें पिछली बारी असीं कीता पिछली 3 वारी बट इस बार BSF दी अलर्टनैस करके नहीं सक्सैसफुल होए उत्थे फायरिंग हो गई तो पाकिस्तान वाले जिहड़े स्मगलर सीगे वो पाकिस्तान साइड पर भज गए तो ये फॉग का धुंध का सहारा लैके इंडियन साइड पर भज गए पहला 3 कंसाइनमेंट्स आ चुकी हैं जिहड़ियां पिछले 2 सालों पहला 1 कंसाइनमेंट हथियार आया असी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं वह हजे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वह जो डिटेल पूछगिछ करांगे कि इन्होंने जिहड़ा 50 किलो आया सी वह किनू किनू समान अगे सप्लाई किया वो असी फॉरवर्ड लिंकेज एस्टैबलिश कर रहे हैं तो वह भी जल्दी बंदे फड़े जाएंगे पाकिस्तान नाल ए फोन ते कॉन्टैक्ट सीगे जिवें VOIP कॉल्स ने अलग अलग सॉफ्टवेयर ने उहदे थ्रू गल करदे सी रिमांड ते 4 फरवरी तक जदों उत्थे असी गए सी उदों सानू काफ़ी क्लूज उत्थे मिले सी मौके ते मैं भी गया सी SPD साहब भी सी DSP कलानौर भी सीगे सो उत्थे जाके जदों सर्च कीती उत्थों क्लूज मिले कुछ फिर पिंडां विच असी जाके लोकां नाल गल कीती अपने इनफॉर्मर्स नूं एक्टिवेट कीता उन्होंने इन्हां बारे इनफॉर्मेशन दित्ती फिर उस इनफॉर्मेशन ते एक्ट करदे होए असी बंदिआं नूं अरैसट कीता ये बेसिकली डंगरां दा काम करदे आ अपने एक पिंड तों खरीद के दूजे पिंड च वेच दिंदे आ जिहड़ी इन्हां दी एनुअल इनकम है इस बेसिस ते अराउंड ये कहिंदे ने 2.5 तों 3 लाख रुपया हो जांदा सी इस तो अलावा जिहड़ा दीपा है उहदी कोई 5 किले जमीन भी है आपकी जिहड़ी उह वंद सो बेसिकली एग्रीकल्चर ते डंगरां दा काम है एक पुराना सीगा कोई बंदा जिहड़ा पहला ये काम करता रहा अजकल वो जेल च सो उहदे कहण ते इन्हां ने पाकिस्तान कॉन्टैक्ट किया सी सो उस बंदे नूं भी असी प्रोडक्शन वारंट ते लिया रहे हैं।
ਸੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 9150-20151। ਗੈਟ ਯੋਰ ਨੈਕਸਟ ਲਵ ਬੈਕ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨਚਾਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਪਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਔਲਾਦ ਸੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਵਿਆਜ ਦੇਰੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ।